चावल के साथ हम ज़्यादातर क्या खाते हैं दाल सब्ज़ी राजमा या कढ़ी और ज़्यादा ऑप्शन तो हमारे पास होते नहीं हैं तो आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बहुत ही फेमस रेसिपी तुरई का काप तो नाम थोड़ा अजीब है ना कि काप क्या है तो बहुत ही अमेजिंग रेसिपी है खाने में इसका जो टेस्ट है ना बहुत ही शानदार है तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं वीडियो अगर पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा तो यहाँ पर हमने तुरई लिया हुआ है क्योंकि हम बनाने जा रहे हैं तुरई का काप तो ये हमने तुरई लिया है इसको साफ पानी से हमने धुल लिया है तो इसमें जो लाइनिंग है ना आप देख सकते हैं थोड़ी सी हार्ड होती है तो इसके छिलके को हम हटा लेते हैं बहुत लोग इसको छिलके सहित बनाते हैं अगर छिलका इसका सॉफ्ट है तो आप इसको बिना छीले भी बना सकते हैं लेकिन हम इसका छिलका हटा लेते हैं तो ये देखिए बहुत ज़्यादा डीप हमको इसको पील ऑफ नहीं करना है हल्का सा इसमें ग्रीन वाला पार्ट हमें रहने देना है तो ये देखिए अब इसको हमने पानी से एक बार और धुल लिया है तो अब इसको हम कट कर लेते हैं तो ये आगे और पीछे के थोड़े से पार्ट को हम कट करके हटा देते हैं काटने का जो तरीका है ना उसको आप अपनी पसंद के अनुसार जैसा साइज आप काटना चाहें इसका कट कर सकते हैं लेकिन इसको हम थोड़े से छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर रहे हैं और यकीन मानिए ये तुरई का जो काप है ना चावल के साथ तो बहुत ही अमेजिंग इसका टेस्ट आता है आप इसको जब तक बनाएंगे नहीं आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा तो ये देखिए सारे तुरई को हमने कट कर लिया है और यहाँ पर हमने बारीक कटी हुई हरी मिर्च ली है और बारीक कटा हुआ हमने लहसुन लिया है तो लहसुन की क्वांटिटी हमने थोड़ी सी ज़्यादा रखी हुई है तो हमने इसको बारीक इसलिए कट किया है ताकि इसको जो हम खलबट्टे में ये कूटेंगे ना अच्छे से ईजली ये कूट जाएगा तो ये देखिए इसी तरह हम इसको जो है दरदरा कूट लेते हैं आप चाहें तो आप इसका पेस्ट भी ले सकते हैं या आप इसको बारीक टुकड़ों में ही कट करके भी रख सकते हैं तो इसको अच्छे से हमने कूट लिया है ये देखिए एकदम दरदरा है तो अब इसको एक कटोरी में निकाल लेते हैं अब इसमें हम ऐड करते हैं कुछ मसाले तो यहाँ पे हमने लिया है एक चम्मच हल्दी पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर तो तीखा आपको जितना कम ज़्यादा पसंद हो तो इसकी क्वांटिटी आप अपने अनुसार कम ज़्यादा कर सकते हैं तो बस इसको मिक्स करें और उसके बाद इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल के इसका बैटर बना लेते हैं तो ये देखिए जिसमें हमने इसको कूटा था ना उसी में थोड़ा सा पानी डाल के इसको इसमें डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा मसाला उसमें लगा हुआ है तो अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं तो ये देखिए मसाला एकदम तैयार हो चुका है तो चलिए अब इसको हम बनाना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे कढ़ाई हमने गर्म होने के लिए रख दी है और अब इसमें डालते हैं सरसों का तेल क्योंकि काप जो है ना वो सरसों के तेल में ही बनाया जाता है तो ये हमने इसमें मेथी दाना डाल देते हैं मेथी दाना वैसे टोटली ऑप्शनल है ये हमारे यूपी में पड़ता है उत्तराखंड में इसमें नहीं डालते हैं और ये हमने राई डाला है तो जो बारीक वाली राई आती है ना उसको डाला है और अब बारीक कटा हुआ हमने प्याज लिया था तो मीडियम साइज़ के दो प्याज को हमने बारीक कट किया है इसको हल्का सा भून लेते हैं जब तक प्याज का कलर नहीं चेंज हो जाता है तो ये देखिए मीडियम फ्लेम पे ही हमने इसका उसको भू, भूना है इसका कलर हल्का सा चेंज हो चुका है प्याज का तो अब ये जो मसाला है ना अब इसको इसमें हम डाल देते हैं और गैस के फ्लेम को इस टाइम पे हमें मीडियम रख देना है तो ऐसे मिक्स करते हुए मसाले को हम एक मिनट के लिए भूनेंगे बहुत ज़्यादा नहीं क्योंकि अभी हमको इसको टमाटर के साथ भी भूनना है ना तो अब इसमें हम डाल देते हैं ये टमाटर तो हमने यहाँ पे तीन टमाटर लिए हैं बारीक कटे हुए तो टमाटर जो है अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसमें बिल्कुल स्किप कर दें क्योंकि काप में जो है टमाटर बहुत कम ही लोग डालते हैं लेकिन हमें पसंद था तो इसलिए हमने इसमें डाल दिया है स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं और इसको मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए इसको हम ढक के पका लेते हैं जब तक टमाटर अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाता है तो ये देखिए तीन मिनट हो चुके हैं इसका कलर देख सकते हैं टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो अब इसमें हम ये तुरई को डाल देते हैं तो तुरई को जो है बारीक हमने कट किया है अब इसमें इसको डाल के और इसी तरह चलाते हुए तुरई को भी हम एक से दो मिनट के लिए मसालों के साथ भून लेंगे तो ये देखिए जैसे जैसे ये पकने लगती है ना तो इसकी क्वान्टिटी भी थोड़ी सी कम होने लगती है तो ये देखिए अब इसी तरह हम इसको एक से दो मिनट भून लेते हैं मसाले के साथ उसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी तो यहाँ पे हम आधा ग्लास पानी डाल रहे हैं और बाकी का पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे तो ये देखिए अब इसको मिक्स करें और ढक देते हैं तीन से चार मिनट के लिए और तब तक हमने यहाँ पर लिया है चावल का आटा तो दो चम्मच हम चावल का आटा लिए हैं और पानी डाल के इसका हम घोल बना लेते हैं क्योंकि काप में जो है जैसा उत्तराखंड में बनता है ना काप में ये चावल के आटे का मिक्सर जो है वो जरूर डालते हैं मतलब चावल के आटे का घोल आप चाहे तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं तो इधर देखिए तुरई अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है तो अब इसको हम एक बार चेक कर लेते हैं तो तीन से चार मिनट हमने इसको ढक के पकाया है अब इसमें हम डालेंगे ये चावल के आटे का घोल था और आधी कटोरी इसी कटोरी से हम इसमें गर्म पानी डालेंगे अब तो ध्यान रखिएगा ठंडा पानी इसमें बिल्कुल नहीं डालना है तो आधी कटोरी हम इसमें गर्म पानी और डाल देते हैं तो ये देखिए अब इसको मिक्स करेंगे और दो से तीन मिनट के लिए ढककर इसको हम और पका लेते हैं तो ये जो तुरई का काप है ना पकने में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है क्योंकि तुरई जो है काफ़ी अच्छे से जल्दी सॉफ्ट हो जाती है तो ये देखिए अब तीन मिनट हो चुके हैं और ये तुरई जो है अच्छे से पक चुकी है इसका टेक्चर आप देख सकते हैं एकदम परफेक्ट है ना इसकी कंसिस्टेंसी तो अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और इसमें बारीक कटा हुआ धनिया डाल देते हैं तो धनिया डालने से इसकी जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार आती है और खाने में जो इसका टेस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा शानदार रहता है तो ये देखिए इसका टेक्सचर तो चलिए अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेते हैं तो तुरई का काप जो है वो तो चावल के साथ ही बहुत ही अमेजिंग जाता है तो सबसे पहले हम थाली में चावल निकाल लेते हैं तो आप इसको रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं लेकिन ये चावल के साथ बहुत ही परफेक्ट लगता है तो अब इसमें डाल देते हैं तुरई का काप तो इसका टेक्स्चर देख सकते हैं इसका कलर देख सकते हैं देखने से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है खाने में तो ये बहुत ही अमेजिंग है तो ये रेसिपी आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत ही सिंपल है और बहुत ही आसान है इसको बना खाना तो ये सिंपल और टेस्टी रेसिपी अगर आपको पसंद आई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा